जय यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। इस दिन आज हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 48 पद संख्या 1 और 3। तब एलियास अग्नि की तरह प्रकट हुए, उनकी वाणी धधकती मशाल के सदृश थी। उन्होंने उनके देश में अकाल भेजा और अपने धर्मोत्साह में उनकी संख्या घटाई। उन्होंने प्रभु के वचन से आकाश के द्वार बंद किए और 3 बार आकाश से अग्नि गिराई। मेरे भाई और बहनों, आज हम एलाइजा के बारे में पढ़। वचन कहता है कि उस प्रकार का परमेश्वर का शिष्य था, या दूत बोल सकते हैं, या परमेश्वर का चाहता था, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को उस प्रकार जानता था कि उस वचन में जीवित है परमेश्वर। और उस वचन के द्वारा वो प्रार्थना किया और 3 दिन तक बारिश नहीं हुई, या 3 साल तक बारिश नहीं हुई। उसके हर एक प्रार्थनाओं को परमेश्वर ने उत्तर दी, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को विश्वास करता था, उसके शब्द में विश्वास करता। और वचन कहता है कि वो एक अग्नि समान, उसके शब्द एक अग्नि समान थे। और जब एक समय आया, परमेश्वर ने उसको शरीर द्वारा स्वर्ग लेके, मेरे भाई और बहनों, क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों को जीता था। उसके वचन में अगर लिखा है तो वो होगा। अगर वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो दरवाजा खोला जाएगा, तो जब हम मांगेंगे तो वो देगा। क्योंकि एलाइजा को उसके वचनों में विश्वास था और उसके वचन के द्वारा वो जो भी मांगता था वो होता था। वचन कहता है कि उसने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करके अग्नि भी गिराया, बारिश को रोका, और जब प्रार्थना किया बारिश फिर से हुई 3 साल तक। तो उसके प्रार्थना में इतनी ताकत थी, क्योंकि वो यकीन करता था कि उसका शब्द जीवित है और परमेश्वर जीवित, लिखा है तो वो होगा। मेरे भाई और बहनों, क्या हम उसके शब्दों को जीवित मानते हैं? क्योंकि अगर एलाइजा ये कर सकता है तो हम भी कर सकते, क्योंकि परमेश्वर पिछला, आज और कल हमेशा सेम है। तो अगर एलाइजा के समय में परमेश्वर वो कर सकता है, तो हमारे समय में भी कर सकता है। अगर उसने लिखा है तो वो होगा, क्योंकि वचन कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी मिट जाएगा, लेकिन उसका शब्द में से एक चीज भी लिखा हुआ नहीं मिटा। तो अगर एलाइजा उसके शब्द में विश्वास करता था और उस शब्द के द्वारा उसने इतना सारा चिन्ह चमत्कार किया, तो क्या हम उसके शब्द में विश्वास करते हैं? इस समय हम अपने आंखों को बंद रखकर अपने आप से यही सवाल पूछे। हे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते। तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि जिस प्रकार एलाइजा तुझ पे विश्वास करता और हर एक प्रार्थना को परमेश्वर तेरे वचन पे विश्वास करते हुए मांगता था और हर एक प्रार्थना की उत्तर होता। उसने कहा अग्नि गिरने दे, अग्नि गिरा। उसने कहा बारिश नहीं होने दे, बारिश नहीं हुआ। उसने कहा बारिश होने दे और बारिश हुआ। और परमेश्वर उसको तूने शरीर द्वारा ऊपर लेके गए। परमेश्वर वो तेरे शब्द को जीता था, वो तुझे और तेरी उपस्थिति को अपने पास रखता था। तो परमेश्वर, क्या हम तेरे वचनों में उस प्रकार विश्वास करते जिस प्रकार एलाइजा का? परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तेरा वचन 2-धारी तलवार है, वो एक जीवित है। परमेश्वर, उस वचन को हमारे हृदय में पूर्ण रूप से मांस बनने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारा विश्वास तुझ में बड़ा। तू जानता है परमेश्वर कि हम कमजोर है, हमें ताकतवर बना तेरे शब्द में। तेरे शब्द को हम में ताकतवर बनने के हर एक चीज जो लिखा हुआ है उसको पूर्ण रूप से हम विश्वास में प्रकट करते हुए प्रार्थना कर सके। और यही प्रार्थना परमेश्वर विश्वास से कि तू हमारा आज से विश्वास बढ़ाएगा, यही प्रार्थना तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमेन। जय श्री।